आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करने में लगी है। बात करें महागठबंधन की तो आज हम यानी कि हिंदुस्तान आवास मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र दिया है। संवाददाता सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। अपना घोषणा पत्र में सम्मान स्कूल के शिक्षा प्रणाली लागू करने की बात कही है। वहीं अल्पसंख्या के सभी कॉलेजों में दो दो उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, इसकी भी मांग रखी है। साथ साथ महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में 35% आरक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग की है। जिस सरकार का वोटर है वो वोट उनको देता है और उसके वोट से हम जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपना जो वोटर वोट है मतदान मतदाता है उसको बढ़ा करके और समाज में प्रभावित करते हैं, वो अगर 10% वोट देते हैं तो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव को कब्जा में कर लेते हैं, चाहे टिकट देने लेने की बात हो या फिर उनको किसी प्रकार का लोग देने की बात, लाभ देने की बात हो, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग एकदम शिथिल हो जाते हैं। वो इधर उधर ताकते हैं कि अगला चुनाव अगर उनको जीतना है तो शिथिल कास्ट गरीब की बात नहीं करना है, उनके लिए कुछ नहीं करना, भविष्य उस पर कितना अन्याय क्यों ना होते रहे, और जिस सबल वर्ग के लोग साथ हमको दिया है हम उसके वोट देखते हैं। और उसका एक नतीजा ये भी होता है कि अगर कहीं कहीं हम लोग नज़रअंदाज करके जो सवर्ण लोग है अगर गलत करता है और उसके वो उंगली उठाते हैं तो न सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूंसी में बल्कि जिला में नहीं राज्य भर से बातें आती है, अरे भाई फलना तबका ने आपको वोट दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि 71 वर्षों में हमारे शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि हैं उनका व्यक्तित्व आगे नहीं बढ़ पाया है और वो सकम्ब रहते हैं और अपना समाज के काम को भी हीनियस से हीनियस क्राइम वहाँ पर होती है उसके बावजूद भी बेचारा मुँह बंद रखता है। इसी के लिए अंबेडकर साहब ने एक हम लोगों को मंत्र दिया और वो मंत्र ऐसा है कि उस मंत्र का प्रयोग कर देंगे शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने कहा है सेपरेट मतदाता सूची बननी चाहिए, डबल मतदाता सूची बननी चाहिए, इसकी अवधारणा हमारे अम्बेडकर साहब ने भी किया था और उसका तत्क्षण लाभ उनको मिला था कि जब जनरल शेड्यूल कास्ट का जो हेयर कंस्टिट्यूंसी है और जिसमें सबको वोट देने का अधिकार है उससे बाबा साहब महाराज ने लड़ने का काम किया था लोकसभा के लिए, वो हार गए, लेकिन जो सुविधा डबल मतदाता सूची की है वो मुस्लिम लीग को सुविधा मिली हुई थी बंगाल में या केरल में, बंगाल के मुस्लिम लीग के लोग उनको आमंत्रित। आपको याद करा दे जब भी चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे में हर राजनीतिक दल नए नए योजनाएं और जनता को लुभाने वाले वादे करना शुरू कर देती है। खबरों का सिलसिला न्यूज बिहार पे चलता रहेगा, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।